भैया बहुत समय के इंतजार के बाद राजगीर टूर पार्ट टू आ चुका है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें और एकदम लाइक कमेंट सब्सक्राइब बटन दबाए के जाएं एकदम। तो दोस्तों आवर फर्स्ट स्टॉपेज विश्व शांति स्तूपा एंड हम वहां जा रहे हैं, मतलब रोप वे पे जा रहे हैं। एंड सामने आप देख सकते हैं ये डांगा भी चलता राजगीर में काफी सारा। सो स्टे ट्यून इन दिस वीडियो। दोस्तों सो वी फाइनली रीच्ड स्तूपा, मतलब रोपवे। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो ये स्तूपा भी है, एक ऊपर मंदिर है बुद्ध भगवान का जिसको की स्तूपा कहते हैं। एंड रोपवे भी है, मतलब रोपवे से भी ऊपर जा सकते हैं एंड आप स्टेयर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब सीढ़ी है। हम लोगों ने गाड़ी यहाँ पे पार्क किया, मतलब ये ओवरऑल पार्किंग ही है, पार्किंग एरिया। सो जाते अंदर, दैट्स द पार्किंग एरिया। सो अगर आप लोग आते तो आप अपना फोर व्हीलर मतलब कार वगैरह यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। ये टिकट काउंटर रोपवे पे पर टिकट 80 रुपीज, पर टिकट 80 रुपीज। जैसा कि आप देख सकते हैं सामने लाइन कितना बड़ा है, मतलब काफी लोग हैं, बहुत भीड़ है। आई थिंक 1 या 2 घंटे तो लगेगा ही लाइन। लेट्स सी जाते भी हैं या नहीं हम लोग, बिकॉज काफी टाइम लगेगा एंड हम लोगों को और भी जगह घूमना। सो अगर सारा टाइम यहीं लगा देंगे तो आई डोंट थिंक सो कि पूरा घूम पाएंगे। ये है सामने एंट्री है, मतलब इधर ही से जाता रोप वे पे लोग। दोस्तों ये सड़ी का रास्ता है सामने, ये लोग सड़ी वाले रास्ते से जा रहे हैं एंड रोपवे उधर है, उस पर बहुत ज़्यादा क्राउड है। 1-2 घंटा तो पक्का लगेगा श्योर। तो प्लान कुछ ये हुआ कि हम लोग ऊपर नहीं जा रहे बिकॉज काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा एंड हम लोगों को और भी घूमना। साइड में खाने वाने का भी फैसिलिटीज है, सो अगर आते हैं तो यहाँ पे खा सकते हैं, लंच डिनर कुछ भी कर सकते हैं। अभी हमें काफी गर्मी लग रही थी तो मैंने मतलब शर्ट अपना खोल दिया एंड हमने पेप्सी लिया, हर घूट में स्वैग। सो जाते गाड़ी पे एंड देखते कि और कहाँ जा सकते हैं। सो हम लोग अभी पांडू पोखर आए हैं एंड हमने टिकट ले लिया, तो कुछ ऐसा है। ये पांडू पोखर का होर्डिंग है, आप यहाँ से टिकट का प्राइस वगैरह देख सकते हैं एंड फैसिलिटीज भी देख सकते हैं। सो कुछ ऐसा है, ये एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस पांडू पोखर के अंदर जाने का। तो व्यू कुछ ऐसा है यहाँ का, काफी अच्छा व्यू है, इधर माउंटेन एंड इधर पार्क। और जाते एंड एक्सप्लोर करते इस जगह को, स्टे ट्यून। एंड मिनी जू में बस आई थिंक रैबिट ही है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये सामने ही है। ये रैबिट्स Don't play with my heart, baby.
तो दोस्तों अभी हम लोग ये बच्चों लोगों का प्लेग्राउंड है, मतलब खेलने को बहुत सारा चीज़ है बच्चे लोगों का, एंड ये शायद येलो बैंड के लिए है, तो कुछ ऐसा है। पार्क को घूमने के लिए बहुत सारे टाइम होने चाहिए आप लोगों के पास, बिकॉज़ ये पार्क बहुत बड़ा है, अंडू पोखर बहुत बड़ा है। सो अगर आप आते हैं यहाँ तो सैटरडे संडे तो मत आना, बिकॉज़ जो यहाँ का एंट्री फ़ी है वो थोड़ा बढ़ जाता। अगर आप पूरे एक्टिविटी करते हैं तो 250 आप लोगों को पे करना पड़ेगा, और अगर मंडे से फ्राइडे आते तो बस 200, एंड इफ़ अगर आप नॉर्मल एंट्री करते सिर्फ तो आप लोगों को 75 पे करना पड़ेगा सैटरडे संडे, एंड नॉर्मल डे मतलब मंडे टू फ्राइडे आप लोगों को पे करना पड़ेगा ओनली 60 रुपीज़। सो कुछ ये है, एंड यहाँ तीन टाइप का बैंड भी है, येलो, वाइट एंड आई थिंक ग्रीन या समथिंग ऐसा, मेरे को अच्छे से पता नहीं। सो कुछ ये है, और देखते कि क्या क्या है यहाँ, बने रहे। सारे हर्ट में गेम्स हैं, मतलब ये सामने जो हर्ट टाइप का दिख रहा है ये जैसे कि टेबल टेनिस है, वहाँ ये पूल टेबल है, उधर डार्ट था। तो ये सारे हर्ट में अगर आप लोग शायद येलो बैंड लेते मतलब सबसे कॉस्टली वाला, तो आप ये सारे फैसिलिटीज़ उठा सकते हैं, मतलब ले सकते हैं। दिस प्लेस इज़ वर्थ इट, मतलब यहाँ का जो व्यू है बहुत अमेजिंग है, मतलब अगर आप आते तो आप लोगों को ही पता चल जाएगा कि कितना अमेजिंग है ये प्लेस, एंड काफ़ी मज़ा आएगा। अगर आप बच्चे के साथ हो तो बच्चे लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा। कैफेटेरिया भी है, एंड ये पीछे बैठने बैठने का भी फैसिलिटीज़ है, तो अच्छे से व्यू को इन्जॉय करते आप यहाँ पर लंच वगैरह अपना कर सकते हैं। कैफेटेरिया है पीछे, ये कुछ ऐसा पीछे डस्टबिन। तो अभी जो मेरे सामने का व्यू है वो बहुत अमेजिंग है, लेट मी शो यू गाइस, मैं बैक कैमरा करके दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पहाड़, बीच में एक छोटा सा लेक टाइप का, एंड आप बोटिंग कर सकते हैं यहाँ, एंड वो सामने वहाँ पे पांडू महाराज की मूर्ति बनाई गई है, और बहुत ही अच्छा व्यू है, बहुत ही अच्छा। ये व्यू आप इस वीडियो में देख के इमेजिन कर सकते, बट अगर आप रियल लाइफ में अगर यहाँ आते तब मजा आएगा देखने का। स्टैचू के पास आ चुके हैं, एंड मैं दिखाता हूँ कि ये स्टैचू कितना बड़ा है, काफ़ी सुंदर लग रहा। अभी तो पीछे हम लोग, दिखाता हूँ आगे जाके। लुक एट दिस, सामने आप देख सकते हैं बोटिंग में कितनी भीड़ है, मतलब आज संडे है तो ओवरऑल बहुत भीड़ है। एडवेंचर जोन में जा रहे हैं, मतलब सिर्फ देखने जा रहे हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या क्या एडवेंचर कर सकते हैं यहाँ पे। अब हम लोग ये पांडू पोखर से निकल रहे हैं, हम लोगों ने लगभग यहाँ 1.5 आवर, लगभग 2 आवर हम लोगों ने टोटल स्पेंड किया यहाँ, एंड 2 आवर कब पता चल गया, निकल गया पता ही नहीं चला, और हम लोगों को थोड़ी जल्दी भी है जैसा कि मैंने बताया। सो जाएंगे, निकलेंगे गाड़ी की ओर जा रहे हैं हम लोग, और भी देखते कि यहाँ क्या क्या चीज़ है। एक यहाँ पे जापानीज टेम्पल है, अगर वो खुला रहेगा तो हम वहाँ जाएंगे। तो दोस्तों, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स जापानीज टेम्पल, ऑलमोस्ट हम पहुँच चुके हैं, बस अंदर जाना, चलते देखते। कभी आया नहीं हूँ मैं, फर्स्ट टाइम, आप लोगों को भी दिखाता कि कैसा है ये जापानीज टेम्पल, जापान का टेम्पल। एंड बाल काफ़ी बढ़ गया, ठीक ही है, चले। सो स्टे ट्यून इन दिस वीडियो। ये बुद्ध भगवान का स्टैचू है, काफ़ी बड़ा स्टैचू है, एंड ये सामने टेम्पल है, और ये जापानीज में कुछ लिखा हुआ। भूख लगी है, एंड हम जाएंगे अभी लंच करेंगे, बिकॉज
ऑलमोस्ट 2:30 बजने को है, तो भूख तो लगेगी ऑब्वियसली। एंड आज गर्मी भी काफ़ी बेटर है, हाफ टी शर्ट और ये हमारी गाड़ी एंड पीछे टप टप। सो जाते अब लंच करते, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या खाते हैं आप। तो दोस्तों हम लोगों ने ये मारवाड़ी बासा शुद्ध जैन भोजनालय में खाने का सोचा है, एंड लेट्स सी कि यहाँ का खाना कैसा रहता है। दोस्तों हम लोगों ने अभी अपना लंच ऑर्डर कर दिया है एंड हमने थाली किया है, और वो दो टाइप का थाली है, एक मारवाड़ी थाली और एक जैन थाली। वो आता है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों ये है जैन थाली एंड ये मारवाड़ी थाली, इसमें रोटी भी है और अभी राइस आएगा, वो रोटी के बाद आएगा, सो कुछ ऐसा है। तो अब खाते इसे शुद्ध शाकाहारी। तो अभी हम स्वर्ण भंडार के अंदर आ चुके हैं एंड मैं यहाँ का व्यू दिखाता हूँ कि कितना ऑसम व्यू है यहाँ का। एंड यहाँ काफी सारे बंधन भी है, तो डर लग रहा कहीं फोन ना चल रहा। एंड ये अंदर जाने का रास्ता है। और अंदर का व्यू कुछ ऐसा। दोस्तों अभी हम वहाँ पे मंकी का वीडियोस वगैरह ले रहे थे, तो सडनली एक मंकी हम लोगों के पास आया एंड वो हम लोग का फ़ोन छीनने का कोशिश कर रहा था, तो हम लोग डर के मारे जल्दी से फ़ोन रख दिए। और यहाँ आते तो प्लीज़ बंदरों से सावधान रहें, फ़ोन बचाएं, खुद को बचाएं और सेफ रहें। दोस्तों टाइम टू लीव ऑलमोस्ट 4 बजने को है एंड हमें अब निकलना है, मतलब घर जाना है वापस। और राजगीर में यहाँ बहुत टाइम बाद आया मैं, तो काफ़ी अच्छा लगा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर आप लोग भी आते तो प्लीज़ एक बार विज़िट ज़रूर करना, पांडू पोखर स्पेशली बहुत अच्छी जगह है। सो मिलते हैं जल्दी ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, मिलते हैं जल्दी। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, भूल गया था, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सपोर्ट करो, मिलते हैं जल्दी, बाय।